है दांत का उल्टा चश्मा। छोड़ी गए चूठी तो उदोड़ा गया है ना पप्पू जी। जेठालाल सबको पता चल गया है कि सोडी ने पार्टी शार्टी की थी और सबने मिलके उसे छुपाया था। चिट्ठा भाई भांडा फूट गया है। किसने फोड़ा मतलब किसने बताया? ए भिड़न तो भिड़न ये नहीं बताया कि छोटी तो पोपटलाल के घर पे छुपा है। ये जेठालाल सोडी मेरे घर पे नहीं है। ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल? हमारी बात हुई थी ना कि तुम सोडी को अपने घर पे ले जाके छुपा दोगे, फिर तुम सोडी को अपने घर पे नहीं ले गए क्या? नहीं हमारी बात हुई थी, मैं उसे अपने घर पर लेकर भी गया था, लेकिन वो फिर मेरे घर से कहाँ चला गया वो किसी को पता नहीं है। मतलब बिना तुम्हें बताया छोड़ी तुम्हारे घर से कहीं चला गया? यार भाई क्या कर रहे हैं? अभी बाबूजी को लग जाता। बबीता जी ये अरे ये वो सब सर ये अरे नहीं आ रहा हूँ आपके पास भाई, शांति रखो आप। सॉरी बाबूजी क्या बोल रहे थे? सॉरी होली सीधा सीधा बता होली कहाँ है? मुझे क्या पता है बापू जी छोटी कहाँ है? देख क्या आखिरी बार पूछ रहा, सीधा सीधा बता दे छोटी कहाँ है? आखिरी बार क्यों बापू जी? आप बार बार मुझे पूछ सकते हैं पर बार बार मेरा जवाब यही होगा कि मुझे नहीं पता छोटी कहाँ है। अच्छा मतलब तूने छोटी को नहीं छुपाया? बापूजी मैं क्यों छुपाऊंगा छोटी को? छोटी को छुपाने की जिम्मेदारी तो पोपटलाल ने ली थी। अरे मैंने ली नहीं थी, आप सबने जबरदस्ती दी थी। हाँ लेकिन आखिर में तो तुमने जिम्मेदारी ली थी ना छोटी को छुपाने की। अरे वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने जिम्मेदारी ली थी, छोटी को मैं अपने घर लेकर गया था, लेकिन छोटी मेरे घर से गायब है। पर अभी तुम भी गायब थे। अब तुम सीधा सीधा चाचा जी को बता दो कि तुमने छोटी को कहाँ छुपाया। प्लीज प्लीज बता दो जाए। अरे मैंने छोटी को नहीं छुपाया है। तो इतनी रात को कहाँ गया था? नटू को कैसे मिलने? अच्छा मतलब नटू भी इसमें शामिल है? इसमें मतलब किसमें? छोड़ी को छुपाने में। अरे नहीं नहीं बापूजी क्या हुआ, नट्टू काका का मुझे फोन आया कि उनका कोई दोस्त अचानक बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो उनको पैसों की जरूरत थी तो मैं उनको पैसे देने गया था। चल चल अभी कहानी मत बना। अरे मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ बापूजी, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप नट्टू काका को फोन करके पूछ लीजिए ना। ठीक लगा फोन नटू को। मेरा फोन कहाँ गया? तेरा फोन घर पर ही है, तू जानबूझ के तेरा फोन घर पर छोड़ कर गया था। अरे नहीं बापूजी मैं जल्दी जल्दी में निकला उसमें मैं भूल गया। देखिए मैंने घड़ी भी नहीं पहनी है, घड़ी भी वो मोबाइल के बाजू में ही रहती है, वो भी मैं भूल गया पहनना। तेरे पास नटू का नंबर है ना? हाँ है। हाँ तो नटू को फोन लगा। लेकिन मेरे पास फोन नहीं है। ए मारी पास है, मारी पास है फोन। आई लो चाचा जी मैं फोन लगा वो। ये लो जेठा। हाँ। नटू को फोन कर और स्पीकर पे। पिताजी मुझे क्या लग रहा है दुकान में छुपा है सोडी भाई को नक्की इन्होंने। बोलो उनको अभी देखते हैं पहले। नटू काका फोन क्यों नहीं उठा रहे?
किसको लगाया फोन? भिड़े को। ए, मुझे क्यों लगाया? मैं तो यही हूँ। नहीं नहीं तू ना कैसे ला लावे फोन? हाँ वही डायरेक्ट बात कर सकते ना। हाँ अरे मैं जानता हूँ अपने बेटे को, ये बहुत होशियार है। उसे पता है ना तू अपना फोन घर पे भूल कर आया है और फोन उठाने वाला तेरे घर पे कोई है नहीं, इसलिए तेरा नंबर लगाया होगा। नटू को फोन लगा। पप्पू जी मैंने नटू काका को ही फोन लगाया था। तो फोन उठा क्यों नहीं रहा? वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल में एडमिट करने की भागदौड़ी में बिजी होंगे बापूजी। बापूजी मैंने सच में सोठी को नहीं छुपाया है, मैं सच में नट्टू काका को पैसे देने ही गया था, आपकी कसम। मेरा जेठिया मेरी झूठी कसम नहीं खाएगा। ये सच बोल रहा है, इसने सोड़ी को नहीं छुपाया। थैंक यू बापू जी। ए थैंक यू भाई, सोड़ी अगर नहीं मिला ना तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, और शुरुआत तुझसे करूंगा जेठिया। नहीं 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 चाचा जी, शुरुआत रोशन ठीक कर दो। रोशन भाभी आप प्लीज हमारी बात शांति से सुन लीजिए, कब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मानता हूँ सोड़ी ने पार्टी शार्टी की है, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके दोस्तों की गलती है। भिड़े भाई प्लीज अबे बहुत ठाई कर, रोशन को बचाने के लिए अबे झूठू मत बोलिए। भिड़े बिल्कुल सही कह रहा है, सोड़ी पार्टी शार्टी नहीं करने वाला था। हाँ तो फिर पार्टी शार्टी किए क्यों? क्योंकि चाचा जी उसके दोस्त ने उसको पार्टी जारी करने के लिए फोर्स किया। और क्या है ना रोशन भाभी, सोड़ी तो आपके साथ वीडियो कॉल पे रात को 12 बजे एनिवर्सरी मनाने वाला था, इसलिए तो वो घर भी सजा रहा था, इसलिए वो सोडा पीने के लिए भी नहीं आया। हमने उसको फोन भी लगाया था लेकिन वो उसने मना कर दिया। और रात को 12 बजे वीडियो कॉल पे रोशन के साथ एनिवर्सरी का केक जो काटना है, बस उसी की तैयारी वैयारी कर रहा था। और यारो बस आज के लिए मुझे माफ कर दो, कल पक्का मिलेंगे। और फिर अचानक सोडी के दोस्त आ गए। वो क्या बात है, कुल्ले में चेयर्स वेयर पार्टी शार्टी चल रही है। अरे नहीं नहीं ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सोडा है। ये नीट सोडा पी रहे हैं? एक मिनट, आपकी तारीफ जी, असी साडे सोडी प्राणु मिलना है। फिर दोस्तों ने घर पे जाके सोडी के पास पार्टी शार्टी की जिद की, और दोस्ती यारी के चक्कर में सोड़ी को पार्टी शार्टी करनी पड़ी। लंदन जाने से पहले मुझे मिलने आ गया, ये तूने बहुत चंगा किया। पर यारो सच में आज मैं पार्टी शार्टी नहीं कर पाऊंगा। पाजी समझा करो यार, लंदन जाने के बाद हमें ये मौका पता नहीं कब मिलेगा, बार बार थोड़ी ना ऐसे सब यार इकट्ठा हो पाते हैं। हाँ फिर कुछ देर बाद हम लोग को डाउट हुआ, इसलिए हम लोग सोड़ी के घर चले गए। घर पे जाके देखा तो हमारा शक सही निकला, वो लोग पार्टी शार्टी करके मस्त हो चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आप सबको मालूम है। ये बात है तो फिर सोड़ी छुपा क्यों? करेक्ट, अगर गलती की है तो सामने आके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बार मिल जाए ना आज तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। पर अब सब जगह ढूंढ लिया, सोड़ी भाई है कहाँ? समझ में नहीं आ रहा है उन्हें ढूंढे कैसे। मुझे लगता है अभी सोड़ी को ढूंढने का एक ही तरीका बचा है। क्या? हमें चालू पांडे जी को फोन करके बुला लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं पपड़लाल, पुलिस को बुलाना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर सोड़ी भाई को ढूंढेंगे कैसे? एक मिनट माधवी भाभी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मंजे? मान ले मानून गेले। मंजे ये भेड़े भाई कि अब रोशन को जितनी पार्टी शार्टी करनी है ना वो कर,
जहाँ जाना है वो जाए, उसको घर वापस आना है, आए नहीं आना है नहीं आए। वाह बीवी हो तो ऐसी, उसके दिल में जो आए वो कर, जो आए वो कर, जो आए वो कर, जो आए वो। अब मैं ना ही उसे कुछ कहूंगी, कुछ कहूंगी उसे, कुछ कहूंगी उसे कुछ, और ना ही इस घर में रहूंगी, घर में रहूंगी, घर में रहूंगी, घर में रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अपने मम्मी डैडी के घर उड़वाना जा रही हूँ, उड़वाना जा रही हूँ, उड़वाना जा रही हूँ, उड़वाना जा रही हूँ, उड़वाना जा रही हूँ। रोशन भाभी, हेलो, हाँ रोशन बोलो, गोकुलधाम सोसाइटी से, मुझे एक टैक्सी चाहिए, हम नाच इमीडिएटली उड़वाना जाने के लिए, मोख लो प्लीज। रोशन भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। देखिए रोशन भाभी आपका गुस्सा भी बरोबर है, बरोबर है, पर ऐसे घर छोड़ के मत जाइए ना प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ रोशन भाभी आप सोनी भाई को डांटी उन्हें सजा दीजिए, पर खुद घर छोड़कर मत जाइए प्लीज, प्लीज। नहीं अंजलि भाभी प्लीज, आप लोग सब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ। रोशन को जितनी पार्टी करनी है उतनी करे, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उड़वाना जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, 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 जाऊंगी। रोशन भाभी तो सच में घर छोड़ के जा रही है, और अब क्या करें? अरे छोटी, अरे कहाँ छुपा है भाई तू, आजा भाई बाहर, रोशन भाभी जा रही है उद्वारा हमेशा हमेशा के लिए। मेरी आवाज अगर तुम तक पहुंच रही है बाहर आ जा। समझ में नहीं आ रहा है रोशन भाभी को रोके कैसे। रोशन भाभी रुक जाइए प्लीज, देखिए हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते, आपको जो सजा देनी हमें दे दीजिए, लेकिन प्लीज घर छोड़ के मत जाइए प्लीज। प्लीज रोशन भाभी आप प्लीज मत जाइए, हमें पहले पता होता कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी तो हम सोनी को कभी नहीं छिपाते, आपको पहले ही सच बता देते। प्लीज रोशन भाभी हमें माफ कर दीजिए, प्लीज 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 आप घर छोड़ के मत जाइए, आज आपकी एनिवर्सरी है, माफ कर दीजिए सोनी भाई को प्लीज। हाँ, प्लीज प्लीज रोशन भाभी प्लीज। नहीं मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसको। मैं जा रही हूँ। प्लीज बात समझिए रोशन भाभी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मत जाइए। रोशन भाभी सुनिए तो सही, अरे सुनिए ना हमारी बात तो सुनिए, अरे बापू जी आप तो समझे। रोशन भाभी सुनिए तो सही, अरे सुनिए ना हमारी बात तो सुनिए, अरे बापू जी आप तो समझे। जरा माफ कर दे हुई जो मुझसे खता,
ढूंढे मुझे तू क्यों यहाँ से वहाँ, अरे तेरा दिल ही तो है मेरा पता। मैंनु माफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे, भूल की जो मैंने दिल से साफ कर दे, मैंनु माफ कर दे, ओ मैंनु माफ कर दे। पार्टी शार्टी तू करे, झूठ मुझसे तू कहे, मेरी फिकर किए बिना अपनी मस्ती में तू बहे, तो सुन लो। मैं ना माफ करूंगी ना कोई इंसाफ करूंगी, तेरी ये भूल ना दिल से साफ करूंगी। तू है मेरी हीर पे मैं तेरा राजा, कर ले मंजूर तू मेरी माफी, करता हाथ जोड़ के विनती, बार बार की है ये गलती, भूल गई अब मैं तो गिनती, अब कभी भी ना होगी ये भूल, चाहे तो अब से हिसाब रख ले। मैनु माफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे, मैनु माफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे। इसको माफ कर दो, इसका इंसाफ कर दो, भूल की जो इसने दिल से साफ कर दो, इसको माफ कर दो, इसको माफ कर दो। ये क्या सोनिए तू चली कहां, उड़ा बड़ा अब है वही मेरा जहां, लिख तू पार्टी शार्टी की कहानी। ओ सोनिए मैनु छड़ के न जा, अधूरी है तेरे बिना मेरी जिंदगानी। करते वक्त एक बार न सोचा, झूठ बोल दिया मुझको धोखा, अब तेरी किसी बात का न लिहाज करूंगी, मैं ना माफ करूंगी ना कोई इंसाफ करूंगी, मैं ना माफ करूंगी ना कोई इंसाफ करूंगी। अभी एक दफा मेरी सुनो, फिर जो मर्जी फैसला चुनो, आना की है गलती सोढ़ी ने, लेकिन हम भी हैं जिम्मेदार। पार्टी शार्टी की जिद की हमने, वो तो बेचारा कर रहा था इनकार, सोडी ने तो किया मना, पर इन्होंने ना एक सुना, देखा जाए तो सोडी का नहीं है इसमें कोई गुना। हाँ रोशन भाभी है बस इतनी सी बात, दोस्ती यारी में दे दिया बस सोडी ने साथ, और जो पता होता के आ जाओ भी आप, रोक लेते हम पार्टी शार्टी के जज्बा, अपने गुस्से को जला कर राख कर दो, सोडी को माफ कर दो, उसका इंसाफ कर दो, सोडी को माफ कर दो, उसका इंसाफ कर दो। जाना है तो जा तू, पर इतना सुनती जा तू, तड़पूंगा तेरी जुदाई में, बिछड़े हंसों जैसा होगा हाल, माने या ना माने तू, है तू मेरी सोनी, मैं तेरा से। मैं ना गुस्सा करूंगी, हर पल मैं तेरे पास रहूंगी, हर पल मैं तेरे पास रहूंगी, हर पल मैं तेरे साथ रहूंगी, हर पल मैं तेरे साथ रहूंगी।
अंत भला तो सब भला। आखिरकार भोले सोढ़ी ने भोली रोशन भाभी को मना ही लिया। जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसे ही रोशन एंड रोशन के प्यार की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। और प्यार की कहानी की हैप्पी एंडिंग तो होनी थी ना, क्योंकि हम सब जानते हैं रोशन एंड रोशन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसका ख्याल भी रखते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन पे गुस्सा भी आ जाता है। इसी प्रकार से रोशन एंड रोशन के प्यार की हैप्पी एंडिंग हो गई। दोस्तों, रोशन भाभी अपने एनिवर्सरी के दिन उदवाड़ा से वापस आई हैं। तो पार्टी तो बनती है, या फिर सोटी की भाषा में कहूँ तो मौजा ही मौजा। मुझे तो लगता है कि इनकी पार्टी में ना खूब मस्ती होने वाली है। आपको क्या लगता है इनकी पार्टी में क्या होगा? जो भी होगा धमाकेदार होगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या जरूरत थी भांडा फोड़ने की, सब बताने की क्या जरूरत थी? आदमी ने मुझे माइक के जाने की धमकी दी, क्या करता, मैं सच बोलना पड़ा। और मुझे मत बोलो जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने बोला था ना कि जाके रोशन भाभी को बोल दो कि सोढ़ी उधवाड़ा गया है। हाँ, तो तुम ऐसा फालतू आइडिया नहीं देते ना, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अच्छा, अगर मैं ये नहीं बोलता कि सोढ़ी उधवाड़ा गया है, तो फिर भीड़े रोशन भाभी को क्या बोलता कि सोढ़ी कहाँ गया है? बोलो बोलो।